आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में बाल विवाह को रोकने को लेकर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी लगाई गई है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर स्कूल प्रिंसिपल, टीचर और कर्मचारियों की अक्षय तृतीया पर होने वाली बाल विवाह को रोकने के लिए निगरानी करने के आदेश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आपको बता दें कि नवीन गोलिया ने भी कहा है कि सभी स्कूलों को पत्र जारी कर दिया है और 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह और अन्य समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिक्षा विभाग के साथ साथ पुजारी गांव के पंच सरपंच से नंबरदार और शहर में नगर पार्षद को सहयोग से अपील लगातार की जा रही है और लोगों को जागरूक करने का जो काम है वो भी लगातार यहाँ पर हो रहा है। कि हमारे को 18 अप्रैल 2023 को ये पत्र जो है प्राप्त हुआ है, जिसका जो मेन पर्पज है कि जो बाल विवाह है और जिसकी ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो 22 अप्रैल को है, तो ये पत्र हमें मिला है और हमने अपने स्कूल के जितने भी स्कूल हेड्स हैं उनको ये क्लियर डायरेक्शन दी है कि आप ना केवल 22 अप्रैल को इस तरह की जो सामाजिक बुराइयाँ हैं इनमें जो भी लोग ऐसा करते हैं उनकी पूरी एक सूची बनाओ और इस बारे में लोगों को मोटिवेट भी करो कि कोई इस तरह का जो है वो प्रयास न करें। बस पूरे ज़िले के अंदर 713 हमारे सरकारी स्कूल हैं जिसके अंदर हमारे 290 मिडिल हाई और सीनियर सेकेंडरी हैं। तो न केवल हमने अपर प्राइमरी स्कूल बल्कि प्राइमरी स्कूल्स के हेड को भी क्लियरली डायरेक्शन दिया है कि वो इन बच्चों के माध्यम से, और वैसे भी क्योंकि हमारा इस टाइम एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो चल भी रही है तो डोर टू डोर सर्वे भी है, तो इस तरह के जो लोग हैं उसको हमारी टीम आइडेंटिफाई भी करेगी और हमारा पूरा प्रयास है कि इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं वो ग्राउंड लेवल पे इस तरह की कोई हरकत या कोई भी ऐसा प्रयास ना हो। ये हमारे शिक्षा विभाग में पत्र जारी हुआ है 22 अप्रैल के लिए कि अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोकने के बारे में। कुछ अंधविश्वासी लोगों का ये मानना है कि अक्षय तृतीया पर अगर हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो कि एक बहुत ही बुरा चलन है और वो अपने बच्चे का भविष्य ना देखकर एक अंधविश्वास के चलते हुए इस तरह के कदम उठाते हैं। तो सरकार ने अब की बारे की निश्चय किया है कि स्कूल के मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल, लेक्चरर्स या टीचर्स, ये सब इसमें भागीदारी दें और इस तरह की कुरीतियों को रोकने में। तो फिलहाल इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, जिस तरीके से शिक्षा विभाग अब बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पार्षदों का भी सहारा इसमें लिया जा रहा है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया था जिसमें जिले के जितने भी स्कूल हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पर, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ग्रामीण स्तर पर सरपंच और पंच के साथ जो है मिलकर इस प्रकार की निगरानी करेंगे कि कोई बाल विवाह ना हो, क्योंकि जिस प्रकार से बाल विवाह को रोकने के लिए प्रदेश की सरकार भी लगातार बेहतरीन कदम उठा रही है, क्योंकि अक्षय तृतीया जो है 22 अप्रैल को होता है और इस दिन जो है लोगों की धारणा ये रहती है कि इस दिन विवाह करने से जो है शुभ होता है, और ऐसे में जो है काफी बेटियां जिनकी उम्र शादी लायक नहीं होती तो उनकी भी शादियां करने का जो है कुछ ग्रामीण जो है रुझान रखते हैं, तो ऐसे में जो है उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए जो है अब शिक्षा विभाग निगरानी कर रहा है। खासतौर पर समाज में जिस प्रकार से कुछ लोग जो है भ्रमित होकर बेटियों की समय अवधि से पहले शादी कर देते हैं जिससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है और जिससे उनका अन्य कई परेशानी जो है उनके लिए उत्पन्न होती है, तो बेटियों के लिए निर्धारित उम्र जो है के बाद ही जो है शादी करने का प्रावधान सरकार द्वारा रखा गया है। ऐसे में बाल विवाह रोकने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 भी सूचना दी जा सकती है। तो इस प्रकार शिक्षा विभाग जो है डोर टू डोर जाकर भी है इस प्रकार लोगों से अपील कर रहा है कि बाल विवाह ना होने दें और इस प्रकार के लिए जो है सरपंच, ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो भी इस पर निगरानी रख रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।